हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे राज कॉमिक से हम सबको हंसाने वाले हास्य सम्राट बाकेलाल की अपकमिंग कॉमिक्स के बारे में। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसी तरीके से कॉमिक से जुड़े हर कंटेंट को मिस ना करने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल पर नागराज और ध्रुव की अपकमिंग कॉमिक की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं टॉप 5 अपकमिंग बाकेलाल की कॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बाकेलाल की कॉमिक है सर्व मनोकामना सिद्धि, जिसे RCMG और RCSD वाले दोनों ही लाने वाले हैं। और ये कॉमिक 48 पेजेस की होगी, जिसकी प्री बुकिंग भी अभी चालू है दोस्तों, जिसकी प्राइसिंग से लेकर डिस्काउंट तक की सारी डिटेल्स आपको मेरी इस कॉमिक बस की वीडियो में मिल जाएंगी। अब बात करो इस कॉमिक की, तो कवर पेज को देखने से तो यही लग रहा है कि इस बार बाकेलाल सेनापति मरकप की फिरकी लेने वाला है और उसकी लाइफ में जरूर कोई बड़ा पंगा करने वाला है। खैर, ये तो कॉमिक आने के बाद उसे पढ़ने पर हमें पता ही चल जाएगा कि बाकेलाल ने इस बार हमें हंसाने के लिए किसको अपनी योजना का शिकार बनाया है। बस इंतजार इस बात का है कि दोनों में से कौन सा पब्लिशर इसे सबसे पहले पब्लिश करेगा। इसके बाद की हमारी अगली कॉमिक है भूल गया राजा, जिसके नाम और कवर पेज दोनों से यह पता लग रहा है कि यकीनन बाकेलाल ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया है कि राजा विक्रम सिंह सब कुछ भूल बैठे है और अब उन्हें अपनी सेना के सिपाही या बाकी के कॉमिक पात्र राक्षसों जैसे दिख रहे हैं, जिनसे हमारे राजा विक्रम सिंह डर भी रहे हैं। बट इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या आखिर राजा की मेमोरी जाने के बाद भी बाकेलाल विशाल नगर का सिंहासन हासिल कर पाएगा या फिर अपनी ही बनाई योजना के तहत वापस महाराज की स्मृति वापस लौटा देगा। और ये जानने के लिए हमें इस कॉमिक को तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, जो कि सर्व मनोकामना सिद्धि की ही तरह प्री बुकिंग में अभी भी चल रही है दोस्तों। और इसमें हमें 96 पेजेस का कंटेंट मिलेगा, जो वाकई में बहुत ज्यादा है दोस्तों। और इतने पेजेस की इस कॉमिक में हम जरूर बाकेलाल के हंसी के सफर का खूब आनंद लेंगे। अब हमारी अगली बाकेलाल की कॉमिक है तरु तिलिस्मी, जो कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आएगी। और ये कॉमिक दूसरा पार्ट है इनकी अश्व सम्राट बाकेलाल सीरीज का, जिसकी भी प्री बुकिंग अभी चालू है दोस्तों। तो अगर आप इस कॉमिक को पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप इसे डिस्काउंट पर ऑर्डर कर सकते हैं, जहां ये कॉमिक सिर्फ कुछ सेलेक्टेड वेबसाइट्स पर ही 10% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मेरी इस वाली वीडियो में मिल जाएंगी, जिसे आप जरूर से चेकआउट करें। अब वापस से आए हमारे कॉमिक पर, तो गाइज इस कॉमिक में हमें अश्वराज और बाकेलाल नजर आएंगे, जहां इस सीरीज के पहले कॉमिक आबूरा के तिलिस्म में छोड़ी गई कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। और हमें ये देखने मिलेगा कि अश्वकीर्ति को बचाने के लिए अश्वराज आबूरा के तिलिस्म में पहुंच चुके हैं, जहां से अपनी जान पर खेलकर उन्होंने अश्वमूर्ति और अश्व खंजर प्राप्त किए हैं। और अश्वमूर्ति तो उन्होंने अश्वकीर्ति के गले में पहना दी, बट अश्व खंजर को वो गवा बैठे हैं, क्योंकि वो वहां पर तरु तिलिस्म में फंस गए हैं, जिसके बाद अब वो खंजर बाकेलाल के हाथ लग गया है। अब देखना यह है कि अश्वराज इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेगा और बाकेलाल के षड्यंत्र को भी कैसे नाकाम करेगा, जिसके लिए बस हमें वेट करना होगा थोड़े और दिनों का, क्योंकि उसके बाद ये कॉमिक हमारे हाथों में होगी। जिसने इसे बुक किया है उसके हाथों में होगी। फिर हमारी नेक्स्ट कॉमिक है स्वर्ण रथ, जो कि अगेन अश्व सम्राट बाकेलाल सीरीज का ही तीसरा पार्ट होगी, जिसमें भी अश्वराज और बाकेलाल की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही इस कॉमिक में हमें नए सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी नजर आएंगे और रिसेंट रिलीज मुख्य पृष्ठ के अनुसार इसमें हमें एक दिव्य किताब देखने को मिल सकती है, जिससे कि शायद बाकेलाल अपनी हिस्ट्री या फ्यूचर को रीराइट कर सकता है। बट देखना यही होगा कि इस किताब के साथ बाकेलाल क्या करामात करता है और फिर उसका अश्वराज पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एट लास्ट इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है। एंड नाउ हमारी इस लिस्ट की फाइनल कॉमिक है थाना यही बनाएंगे, और ये कॉमिक भी दोस्तों राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आएगी, जिसमें हमें बाकेलाल के बोधीवाला बनने के बाद की एक एडवेंचरस कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें बाकेलाल
अपना थाना बनाते नजर आएगा। और बाकेलाल अपना थाना ऐसे वैसे जगह नहीं बल्कि एक भूतिया हवेली में बनाने जा रहा है जिसमें आत्माओं का भी साया है। तो सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, जिसमें बाकेलाल के साथ अब इस भूतिया हवेली में क्या क्या होगा ये देखने में तो हमें जरूर मजा आएगा। और अब जबकि हमारी पूरी लिस्ट को हम एंड कर चुके हैं तो वक्त है इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करने का। तो जाने से पहले आप बाकेलाल की इन अपकमिंग कॉमिक्स के बारे में अपने जो भी विचार है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और आने वाले ऐसे ही कई और टॉप 5 और टॉप 10 की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें।